गुरुकुल तो एक बहाना है, दरअसल इसलिए भेजना चाहती है गुरु माँ मालती देवी अनुपमा को अमेरिका। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। जब से अनुपमा मालती देवी की जिंदगी में आई है डांस के जरिए, तब से एक ही चीज मालती देवी ने पकड़ी हुई है कि अनुपमा को अमेरिका जाना है, सारे रिश्ते पीछे छोड़ने हैं और आगे बढ़ना है। बहुत सारे क्यास लगाए गए अनुपमा को लेके कि अनुपमा का रिश्ता क्या है मालती देवी से, अनुपमा और अनुज का रिश्ता क्या है मालती देवी से, अनुज क्या बेटा लगता है मालती देवी का, ये सब सवाल सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनके जवाब भी। मगर अब एक पहली गुत्थी जो सुलझती नजर आ रही है वो ये है कि क्यों भेजना चाहती है अनुपमा को अमेरिका मालती देवी हमेशा के लिए। चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मालती देवी एक बड़ी स्टार है दोस्तों, जिसको सब लोग जानते हैं, और मालती देवी का फोकस फिलहाल अनुपमा पे है। अभी वो नकुल को भी पीछे छोड़ चुकी है, उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अनुपमा पे है और अनुपमा को कैसे कहाँ भेजना है इस पे है। शुरुआत पे ही अनुपमा में उसने एक अमेरिका जाने वाला कॉन्ट्रैक्ट हाथ में थमा दिया कि ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, 3 साल के लिए अमेरिका जाओ, नहीं तो अपने घर जाओ। अगर डांस में कुछ पाना है, कुछ सीखना है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा, मेरे गुरुकुल की यही रीति रिवाज है। अनुपमा मान गई क्योंकि उसको तो एक ऐसी राह चाहिए थी जिसमें वो चले और कामयाब हो और अपने सारे दुख तकलीफ पीछे छोड़ दे, और अनुपमा यही चाहती भी थी, शुरू से उसका सपना था। तो ये सपना तो अनुपमा का सच्चा हो गया। मगर उसके आगे जो मालती देवी ने आज की कड़ी में किया, ये कहां से आया, इसका क्या कारण है, क्यों वो अनुपमा को 1 महीने में इतना जान गई कि उसने अपने अमेरिका वाले गुरुकुल की रिस्पॉन्सिबिलिटी अनुपमा पे दे दी। तो जो मुझे समझ में आता है मैं वही आपसे डिस्कस करूंगी कि जैसा कि मैंने पहले कई वीडियोस में कहा है कि मालती देवी एक ऐसी माँ है जो अपने बच्चे से बिछड़ी हुई है। कारण क्या है ये हमें बाद में पता चलेगा, मगर कारण जरूर कोई ऐसा होगा जिसकी वजह से मालती देवी को अपने बच्चे को छोड़ना पड़ा, और वो बच्चा कोई और नहीं अनुज है। अनुज अभी इस बात को नहीं जानते हैं, मगर मालती देवी ये बात जानती है। इसलिए मालती देवी जब अनुपमा की जिंदगी में आई तो उसने अनुपमा की सारी कुंडली निकलवाई, अनुज की सारी कुंडली वो जानती है, अनुपमा की सारी कुंडली निकलवाई। माया मेम साहब की तरह उसने एक एक जन को जाना, जो भी अनुपमा के साथ है, रिश्ते में, दोस्ती में, जैसे भी अनुपमा को इफेक्ट करता है, उस सब इंसान के बारे में उसने पहले जान पहचान बढ़ाई अपने लेवल पे, जाना कि अनुपमा इनको छोड़ सकती है, नहीं छोड़ सकती है, कौन क्या वैल्यू क्रिएट करता है अनुपमा की लाइफ में, कौन क्या अनुपमा को तंग करता है, क्योंकि अनुपमा का तंग होना मतलब अनुज का तंग होना। और मालती देवी अगर सच में अनुज की माँ है तो वो यही चाहेगी कि मेरे बेटे की खुशियों को किसी की नजर ना लगे, क्योंकि अभी तक मालती देवी जो है अनुज से दूर रही है, अपने बच्चे से दूर रही है, और बच्चे से दूर एक माँ का दर्द वो मालती देवी की आंखों में हमने देखा है। अब ये लग रहा है दोस्तों कि मालती देवी ये चाहती हैं, जो मुझे लगता है कि ये पहली गुत्थी सुलझती नजर आती है, जिसमें उन्होंने बिना नकुल के बात किए, बिना उससे जो भी मशवरा करते हैं, सलाह मशवरा वो किए हुए, क्योंकि पहले हर डिसीजन पे नकुल के साथ जरूर वो बात करती होंगी, इसलिए नकुल को इतना बुरा लगा। उन्होंने बिना वो बातचीत किए सीधा सीधा शादी वाले दिन पहुंच के, पहले तो ये बात उन्होंने बड़ी तोड़ी कि वो पहले किसी भी शादी या किसी भी स्टूडेंट के फंक्शन में जाती नहीं थी, बल्कि उनको भी बोलती थी कि रिश्तों से दूर रहो, अपने काम पे फोकस करो। मगर वो गई वहां पे, उन्होंने आशीर्वाद दिया, फिर अनुपमा को भेंट के तौर पे गुरुकुल की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, वो भी अमेरिका के गुरुकुल की। यानी कि अनुपमा 3 साल के लिए नहीं बल्कि अमेरिका में ही सेटल हो जाए। तो अनुपमा अब ये डिसीजन लेगी, क्या लेगी वो तो बाद की बात है, मगर इसमें मालती देवी की इंटेंशन सामने आती है कि मालती देवी ये चाहती है कि अनुपमा शाह परिवार से और उस हर रिश्ते नाते से दूर हो जाए जो उसके और अनुज के बीच में रुकावट बनता है, कि अनुपमा अमेरिका चली जाए, वहीं पे सेट हो जाए। अनुज तो अमेरिका का रेजिडेंट है ही, क्योंकि अनुज तो अमेरिका से ही आया है,
तो बाद में अनुज को भी वहां पे वो किसी भी तरीके से लेके आए। ये वो चुपचाप ये काम करना चाहती है कि मैं ये कर दूं और मेरे बेटे की लाइफ में वो औरत हमेशा रहे जो उसकी सेफ्टी के लिए प्रे करती है, जो उसको प्यार करती है, और मेरा बेटा भी उसको प्यार करता है। मुझे तो मालती देवी की ये इंटेंशन लग रही है अनुपमा को परमानेंटली अमेरिका भेजने में। तो ये हो सकता है दोस्तों, क्योंकि एक माँ जो है अपने बेटे की खुशियों के लिए बहुत कुछ करती है, और ये तो वो माँ है जो अपने बेटे से दूर ही रही है, पास आई ही नहीं है। वजह तो हमें बाद में पता चलेगी, मगर फिलहाल ये अमेरिका का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दिया है गुरुकुल का, उसके पीछे की वजह यही नजर आ रही है। क्योंकि इसी तरह से अनुपमा दूर होगी तब वो एकदम से एक ही घंटे में अमेरिका से यहाँ नहीं पहुंच सकती शाह परिवार की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और शाह परिवार में तो प्रॉब्लम अब जो है पूरी तरह से आने वाली है। तो आप क्या कहते हो इसके बारे में, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।